ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। कि सनातन धर्म महाविद्यालय के स्ववित्त पोषित विभाग की एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन और टेक्सटाइल क्लोथिंग की छात्राओं ने एग्जीबिशन लगाई हुई है। इसमें टेक्सटाइल क्लोथिंग की एमएससी की गर्ल्स ने जो अपने हाथ से मटेरियल्स तैयार किए हैं, ड्रेसेस तैयार किए हुए हैं, उसकी एग्जीबिशन लगाई है। इन बच्चों ने क्राफ्ट भी बनाए हैं जो उनको क्लासेज में मैडम द्वारा सिखाए जाते हैं। इस एग्जीबिशन से ये जनसाधारण को दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एमएससी में हर चीज़ सिखाई जाती है, जिससे आने वाले टाइम में बच्चे इसको अपनी रोजगार के रूप में भी इसको आगे कर सकते हैं। एमएससी की गर्ल्स हमारे यहाँ आगे इसको अपने रोजगार में भी इससे अपना रोजगार भी चला रही हैं। यहाँ पे हमारे एमएससी में फूड एंड न्यूट्रिशन भी है। फूड एंड न्यूट्रिशन की गर्ल्स ने कैफेटेरिया का प्रोग्राम रखा है, उसमें इनको मैडम सिखाती हैं कि अपनी कॉस्ट को एनालिसिस करके यदि आगे इसी प्रोफेशन में आना है तो कॉस्ट को एनालिसिस करें और कैसे प्रॉफिट गेन करें। इसमें उनको उन्होंने बच्चों ने कई आइटम बनाई हैं खाने की, उससे मैडम ने उनको बताया कि कैसे कॉस्ट निकालेंगी, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगी और फिर कैसे उसका सेलिंग प्राइस रखेंगे, जिससे आगे बच्चे इसे अपने रोजगार के रूप में चालू कर सकते हैं। इसी मैडम हमारे यहाँ पर मीनाक्षी भारद्वाज उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन में है, टेक्सटाइल में हमारे यहाँ मैडम पवि सैनी हैं। दोनों मैडम बच्चों को सिखाती हैं कि एमएससी के बाद कैसे बच्चे इसको अपने एम्प्लॉयमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसी का यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं। बच्चे अभी हमारे यहाँ 89 से अबव बच्चे परसेंटेज लेके आए हैं, और हमारे यहाँ जो फूड एंड न्यूट्रिशन के बच्चे हैं कहीं हॉस्पिटल में भी लगे हैं। वो किसमें उसमें डाइटिशियन का कोर्स उन्होंने किया है, ट्रेनिंग पे जाते हैं तो बच्चों को वहाँ पे डाइटिशियन का एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ये सब सिखाया जाता है।